हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो भी एक फेस्टिव रिलेटेड वीडियो होने वाली है, लेकिन मैं आज कुछ ऐसा शेयर करूंगी जो आज तक मैंने अपने चैनल पे कभी पहले शेयर नहीं किया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अफोर्डेबल रेंज ऑफ साड़ीज के बारे में। तो क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है, साड़ियाँ पहनने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से साड़ी पहननी या कैरी करनी नहीं आती है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा साड़ियाँ खरीदती नहीं हूँ। बट क्योंकि त्यौहार है तो मेरा भी मन किया साड़ी पहनने का, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं पहनती हूँ तो इसलिए मैं अमेज़ॉन पे अफोर्डेबल रेंज की साड़ियाँ सर्च कर रही थी। सर्च करते टाइम मुझे काफ़ी सारी साड़ियाँ ऐसी दिखी जो कि 500 रुपये की रेंज से नीचे थी। वो साड़ियाँ मॉडल्स पे जो पिक्चर्स दी गई थी अमेज़ॉन पे, उन पे बहुत सुंदर लग रही थी और बहुत अफोर्डेबल भी थी। बट क्योंकि वो इतनी सस्ती थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं वो लूँ या फिर मैं थोड़ी महंगी साड़ियों की तरफ जाऊँ जो कि 2-2.5 हज़ार की रेंज में होती हैं। बट क्योंकि सर्च करते टाइम ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे जो कि 400 या 500 रुपए की रेंज में थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना साड़ियों को मंगवा के देखा जाए और ये चेक किया जाए कि जो 400-500 रुपए की जो साड़ियाँ होती हैं, क्या वो वर्थ होती हैं, क्या उनका मटेरियल अच्छा होता है, क्या हम उन्हें एक या दो बार भी पहन सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। मैंने अमेज़ॉन से 5 साड़ियाँ मंगवाई थी जिनका प्राइस 500 रुपए से कम है, और आज वो 5ों साड़ियाँ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साड़ियाँ मैं आपको दिखाऊंगी भी और साइड में ट्राई ऑन क्लिप में आपको पहन के भी दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है, और फिर सारी साड़ियाँ मैं आपको दिखा दूंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या फील करती हूँ इन साड़ियों के बारे में, मुझे अच्छी लगी या नहीं लगी, या क्या अमेज़ॉन से या किसी भी और वेबसाइट से 500 रुपए से सस्ती साड़ी खरीदना वर्थ है, हमें अपने पैसे उस चीज में इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो आगे ज्यादा बात ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी साड़ियों की तरफ। अब जो सबसे पहली साड़ी मैंने देखी थी वो थी एक मरून गोल्डन कलर की 8 सिल्क की साड़ी, और वो ये साड़ी है। तो ये सिर्फ 399 रुपीस की साड़ी है, मतलब इसका MRP तो कुछ 1670 मेंशन है अमेज़ॉन पे, लेकिन इसका जो सेल प्राइस है वो सिर्फ 399 रुपीस है। इसका पल्लू कुछ इस तरीके का दिखता है और ये ब्लाउज पीस के साथ आती है। इसका पल्लू बहुत सुंदर है और पूरी साड़ी पे एक प्रिंट दिया हुआ है, और इसका बॉर्डर भी बहुत सुंदर है देखने में। ये जो बॉर्डर है ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिया गया है साड़ी। 8 सिल्क की साड़ी है और इसलिए शायद थोड़ी अफोर्डेबल है, मतलब 399 रुपीस के लिए साड़ी मेरे हिसाब से अच्छा प्राइस है अगर वो देखने में सही लगे तो। तो ये वाली जो पर्टिकुलर साड़ी है, माफ कीजिएगा मैं इसे ठीक से तय नहीं बना पाई हूँ, ये वाली जो पर्टिकुलर साड़ी है ये पहनने में मुझे ठीक लगी। इसका जो लेंथ है, इसका जो फैब्रिक है वो भी कंफर्टेबल है। मैं ये नहीं कहूंगी ये एवरग्रीन टाइप की साड़ी है, मतलब आप इसको 4 या 5 साल तक यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये 400 रुपए की साड़ी है, अगर आप इसे 3 या 4 बार भी पहन लेते हैं तो भी आप इसका कॉस्ट पर वेयर आराम से निकाल सकते हैं। अब क्योंकि ये 8 सिल्क की साड़ी है, जिन लोगों को साड़ी बांधना आता है वो तो इसकी प्लीट्स आसानी से बना सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे जिनको बहुत अच्छे से साड़ी बांधना नहीं आता है, उनको प्लीट्स बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ये साड़ी खरीदते हैं और अगर आप इसको पहनने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिए ताकि आप इसकी प्लीट्स अच्छे से बना पाए। एक बार साड़ी बंधने के बाद वो अच्छे से फिक्स हो जाती है, आप उसको अच्छे से पिनअप कर सकते हैं और उसके बाद ये कहीं मूव नहीं करेगी और ना ही आपको फटने का या किसी और तरह की कोई दिक्कत आएगी। तो ये थी मेरी पहली साड़ी। अब अमेज़ॉन पे क्या होता है कि एक ही तरह की जो प्रोडक्ट होते हैं वो मल्टीपल सेलर्स सेल करते हैं। तो ये जो मरून वाली साड़ी थी ये मैंने किसी और सेलर से ली थी, और जो अब मैं आपको साड़ी दिखा रही हूँ ये ग्रीन कलर की साड़ी, ये मैंने किसी और सेलर से ली है। अब मैंने ये चीज़ पहले नोटिस नहीं की थी, बट ये साड़ी और जो पहले वाली साड़ी है उनका प्रिंट एग्जैक्टली सेम है, और उनका जो MRP है, मतलब जितना मैंने पे किया है 399 रुपीज़, वो भी बिल्कुल सेम है। तो जब ये मेरे पास आई उसके बाद मैंने नोटिस किया कि इसका दोनों का प्राइस है जो बिल्कुल सेम है, और मुझे मरून कलर ग्रीन से थोड़ा ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने ये साड़ी खोली नहीं है। मैं इस पर्टिकुलर साड़ी को रिटर्न करूंगी और उस मरून वाली साड़ी को रखूंगी।
मरून एक ऐसा कलर है जो मैं त्योहारों में और इवन करवा चौथ पे आराम से पहन सकती हूँ। अमेजोन पे एक चीज और है, जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग सेलर्स जो हैं सेम तरह का प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो कई बार उन अलग अलग सेलर्स के जो प्राइस रेंज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जब आप अपने लिए कुछ खरीदें, अच्छे से रिसर्च करके खरीदें, क्योंकि हो सकता है आपको जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप 400 रुपए का खरीद रहे हैं किसी और सेलर पे 300 या 350 का मिल जाए। जो अगली साड़ी मैं आपसे शेयर करूंगी वो है ये कलरफुल सी साड़ी, और ये भी आर्ट सिल्क के मटेरियल में ही है। ये वाली साड़ी भी ब्लाउज पीस के साथ ही आती है, और जितनी सुंदर ये फोटो में लग रही है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत ये एक्चुअल में है। मुझे ये साड़ी रिसीव हुई, साड़ी देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इस प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफेक्ट है। इस हॉल में ये सब साड़ियां खरीदने के बाद एक चीज तो मेरी समझ आ गई है कि अगर आप इस तरीके की चीजें खरीद रहे हैं जो कि बहुत ही सस्ती हैं, मार्केट प्राइस से एक्चुअली बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मैंने जितनी भी साड़ियां खरीदी हैं उनमें जो ज्यादातर साड़ियां हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है। मुझे ये वाली साड़ी बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे पहन के भी बहुत खूबसूरत लगी, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर है। देखिए कितने सारे कलर्स इसमें दिए गए हैं और कितना सुंदर पैटर्न है, और मटेरियल भी आर्ट सिल्क है तो कंफर्टेबल है। लेकिन ये पर्टिकुलर जो पीस है इसके अंदर होल है, ये थोड़ा डिफेक्टिव पीस है, तो आप इसको नहीं रख सकते। ये साड़ी सिर्फ 350 रुपए की थी, लेकिन एक डिफेक्टिव पीस के लिए मैं 350 रुपए भी क्यों खर्च करूं। आप ट्राई ऑन पोर्शन में देख पा रहे होंगे कि साड़ी कितनी सुंदर लग रही है देखने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये साड़ी डिफेक्टिव है मैं इसको नहीं रखूंगी। जो नेक्स्ट साड़ी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो भी आर्ट सिल्क की ही है, और उसका प्राइस भी 399 रुपीज ही है, बट ये मैंने किसी और सेलर से खरीदी है। अभी तक मैंने जितनी साड़ियां दिखाई हैं सबके सेलर जो हैं वो अलग अलग हैं, और इसका सेलर भी अलग है। ये मस्टर्ड येलो कलर की है और इसका पल्लू कुछ इस तरीके का दिखता है, देखने में बहुत सुंदर है और आपकी किसी भी गोल्डन कलर के सेट के साथ बहुत प्यारी लगेगी। त्योहारों पे पहनने के लिए बहुत अच्छा कलर है, और ज्वेलरी के साथ अगर इसको प्रॉपरली ड्रेसअप किया जाए तो ये बहुत सुंदर लगती है। इस तरीके का बॉर्डर दिया गया है साड़ी में, और वैसे ये देखने में आपको शायद प्लेन लग रही होगी, बट इसके अंदर थोड़ा सा लहरिया का प्रिंट दिया हुआ है। बॉर्डर जो है वो ऊपर और नीचे की तरफ दोनों तरफ है, और ये भी अपने ब्लाउज पीस के साथ आती है। इसका ब्लाउज पीस कुछ ऐसा दिखता है देखने में, और इसके जितने भी डिटेल्स हैं वो सब कुछ मैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। इस पर्टिकुलर साड़ी के जो पल्लू का जो प्रिंट है वो मुझे बहुत सुंदर लगा। ये इतने सुंदर से मस्टर्ड और डार्क ब्लू कलर के फ्लावर्स दिए हुए हैं, और ये जो टैसल्स हैं ये मुझे बहुत सुंदर लगे, ये एक एडिशनल डिटेल देते हैं अदरवाइज प्लेन साड़ी। अब जो मैं अगली साड़ी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो अकेली साड़ी है जो कि जॉर्जेट के मटेरियल में थी, क्योंकि बाकी साड़ी जो अभी तक मैंने आपको दिखाई वो सारी आर्ट सिल्क की थी। और ये जो पर्टिकुलर साड़ी है ये बहुत ही मल्टी कलर्ड सी फन कलर वाली साड़ी है, और इसका रिटेल प्राइस भी सिर्फ 399 रुपीज है। तो ये कुछ इस तरीके की दिखती है, ये बिल्कुल प्लेन साड़ी है, जॉर्जेट है और बहुत लाइट वेट है। ये उन साड़ियों में से है जिनकी प्लीट्स बनाना बहुत आसान है, मेरे जैसे लोगों के लिए भी जिन्हें साड़ी पहनना बहुत अच्छे से नहीं आता। ये बहुत लाइट वेट साड़ी है और इसको कैरी करना बहुत आसान है। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न है, ये देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं और सारे कलर्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, और इस तरीके का कुछ पैटर्न दिखता है ये। आप ट्राई ऑन में देख पा रहे होंगे कि ये साड़ी कितनी सुंदर दिखती है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये साड़ी भी मुझे पसंद नहीं आई है तो आप बोलोगे कि नहीं ये तो कितनी सुंदर है देखने में और आप तो बहुत तारीफें कर रहे हो इसकी, तो आपको क्यों पसंद नहीं आई है। ये पर्टिकुलर साड़ी जो है इसका जो विड्थ है वो बहुत छोटा है, मतलब मैं बहुत ज्यादा लंबी नहीं हूं, और जब मैंने ये साड़ी ट्राई की थी तब मैंने हील भी नहीं पहनी हुई थी। मैं 5'5" मेरी हाइट है और मैंने बिना हील के ये साड़ी ट्राई करी थी। यूजुअली जब हम लोग साड़ी पहनते हैं तो हम लोग 2 या 2.5 इंच की तो कम से कम हील पहनते ही हैं, बट मैंने ये साड़ी बिना हील के ट्राई की थी, और बिना हील के बाद भी इस साड़ी की विड्थ मेरी हाइट के लिए छोटी थी। अगर मैं इस साड़ी को फ्लोर तक टच करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे पास बिल्कुल भी फैब्रिक नहीं बचता कि मैं उसको अंदर टक इन कर पाऊँ, और अगर मैं उसको टक इन करने की कोशिश करती हूँ तो वो साड़ी फ्लोर से थोड़ी ऊंची उठ जाती है, जो कि ऑब्वियसली साड़ियों के साथ अच्छा नहीं लगता है। एक तो ये चीज, दूसरी चीज क्योंकि ये फैब्रिक इतना हल्का है, मुझे नहीं पता कि सेलर की तरफ से कोई प्रॉब्लम है या कुछ
पहनी हुई साड़ी मुझे भेजी है या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये साड़ी जगह जगह से इसके धागे निकले हुए हैं, मतलब नीटनेस फिनिशिंग बिल्कुल खराब है इस साड़ी की। मैंने ये जितनी भी साड़ियां खरीदी थी वो सब रिव्यूज देख के खरीदी थी और सब में 3.5 टू 4 स्टार की रेटिंग दी गई थी, तभी मैंने ये साड़ियां खरीदी थी। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इनमें से कोई भी साड़ी, लाइक एक भी साड़ी ऐसी नहीं है जो मैं बोलूं मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। जो सबसे पहली मरून कलर की साड़ी मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो साड़ी कम से कम उस साड़ी में कोई डिफेक्ट नहीं है। उसके अलावा जितनी साड़ियां हैं वो मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी हैं। तो अब अगर आप मुझसे ये पूछे कि क्या मैं आपको ये साड़ियां रिकमेंड करूंगी, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप अगर त्योहारों के लिए साड़ी ले रहे हैं तो 500 रुपये या 300 या 400 रुपये की साड़ी खरीदें। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि क्योंकि साड़ी जो है एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हैं, आप अगर एक साड़ी ले लेते हैं तो आप उसको 4 बार 5 बार वेयर कर सकते हैं बिना लोगों के ये सोचे कि अरे ये तो बार बार वही साड़ी पहन लेती है, इसके पास कपड़े नहीं है क्या। आप 4 या 5 बार फिर भी उस साड़ी को पहन सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा प्राइस रेंज अपना बढ़ा लें और 1000-1500 की रेंज में आप साड़ियां खरीदें, क्योंकि ये जो 500 रुपये वाली साड़ियां हैं मेरे हिसाब से ये एक बार पहनने लायक भी नहीं है। इनमें से मेजॉरिटी साड़ियां मुझे वापस करनी होंगी, मैं उनको नहीं पहन पाऊंगी। और आप खुद सोचिए, अगर आप 300 या 400 रुपये की साड़ी खरीदते हैं और आप उसका ब्लाउज स्टिच करवाने जाते हैं, वो इट सेल्फ 400-500 रुपये ले लेता है, तो जितने की तो आपकी साड़ी नहीं है, उतने का तो आप ब्लाउज स्टिच करा लेंगे। तो ओवरऑल आपका जो अटायर है वो वैसे भी महंगा हो जाएगा और आप उसको एक या दो बार ही पहन पाएंगे। तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इतनी सस्ती साड़ियां खरीदें। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा अपना प्राइस रेंज बढ़ा लें, ताकि आप त्योहारों पे ये चिंता किए बगैर कि अरे मेरी साड़ी में कोई डिफेक्ट है या मेरी साड़ी में कोई प्रॉब्लम है, आप अपने त्योहारों को एंजॉय कर पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस तरह की और वीडियोस मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं या आप किसी और तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नमस्ते।